हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आपकी दोस्त हूँ दीप्ति श्रीवास्तव। तो आज मैं आप लोग के लिए एक नया कंटेंट ले आई हूँ मेकअप से रिलेटेड। इसमें मैं आप लोगों को बताऊंगी कि रेड एक्ने, रेडनेस एंड पिंपल्स के स्पॉट को मेकअप से कैसे छिपाएं। तो यहाँ देखिए, मेरे क्लाइंट के दोनों साइड गाल पे हैं पिम्पल्स। तो एक तरफ मैं आप लोगों को ग्रीन कैरेक्टर यूज़ करके बताऊंगी कैसे छिपाते हैं, और एक तरफ बिना ग्रीन कैरेक्टर से। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने सबसे पहले फेस पे मॉइस्चराइजर यूज़ किया हुआ है, बायोडर्मा का अप्लाई करूँगी। तो मैं यहाँ पे मॉइस्चराइजर पहले अप्लाई कर लूँगी फेस पे बिल्कुल अच्छे से। यहाँ पे मैंने थोड़ा फास्ट मोड पे वीडियो कर दिया था ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। आप लोग थोड़ा आहिस्ते और आराम से फेस पे लगाइएगा, और एक्ने वाले स्किन पे तो और भी अच्छे से आराम से लगाना चाहिए, क्योंकि हमारी क्लाइंट जो होती हैं उनके फेस पे जो पिंपल्स होते हैं वो काफ़ी दर्द भी होते हैं किसी किसी के। तो आपको बहुत ही अच्छे से और आराम से लगाना है। तो यहाँ देखिए, मैं मॉइस्चराइजर अप्लाई कर ली हूँ। अब मैं आपको बताऊँगी एले गर्ल का। तो ये देखिए, तीन करेक्टर मिलते हैं एले गर्ल में, प्रो कंसीलर होते हैं ये। तो इसमें आपको तीन सेट मिल जाएंगे। तो यहाँ पे मैं रेड एक्ने पे ग्रीन कैरेक्टर यूज़ कर रही हूँ। हमारे जब पिंपल्स रेड कलर के होते हैं तो वहाँ पे ग्रीन कैरेक्टर यूज़ करते हैं, और जब ब्लैक स्पॉट्स होते हैं तो वहाँ पे ऑरेंज करते हैं। तो यहाँ देखिए, मैं सबसे पहले पिंपल्स पे ग्रीन कैरेक्टर यूज़ कर रही हूँ, और उसके बाद वेट ब्यूटी ब्लेंडर लिया था। आपको ध्यान रखना है कि ब्यूटी ब्लेंडर जो आप लेंगे उसको गीला ही लेंगे, सूखा नहीं लेना है। तो यहाँ पे मैं बिल्कुल हल्के हाथ से अप्लाई कर रही हूँ। इसके बाद यहाँ मेरे पास FC का कलर करेक्टर है। इसकी जगह आप कोई भी करेक्टर यूज़ कर सकते हो, मैक का आता है और भी बहुत सारी कंपनी के आते हैं, जरूरी नहीं है कि आप फैशन कलर का ही लो। तो मैं इसमें से इनकी स्किन से टू सेट डार्कर करेक्टर लूँगी। ये देखिए, जैसा कि देख सकते हैं आप वीडियो में मैं दिखा रही हूँ। अब इसको मैं फिंगर की हेल्प से जहाँ पे ग्रीन करेक्टर यूज़ किया हुआ था जस्ट उसके ऊपर मैं अप्लाई कर दूँगी। आपको क्वांटिटी बहुत ज़्यादा नहीं लेनी है और ना ही बहुत ज़्यादा कम लेनी है। जिस तरीके से मैं ले रही हूँ यहाँ पे, देखिए उस तरीके से आपको लेना हुआ है यहाँ पे, और बिल्कुल अच्छे से यहाँ पे अप्लाई कर देना है। और इसके बाद आपको उसी ब्यूटी ब्लेंडर से टैप टैप करके उसको उस पर छिपा देना है। बस आप ध्यान रखेंगे कि जिस साइड से आप ग्रीन करेक्टर यूज़ किए रहेंगे उस साइड से आपको ब्यूटी ब्लेंडर नहीं यूज़ करना है। अब इसके बाद मैं आपको फाउंडेशन बताऊंगी। यहाँ पे मैं फॉरएवर 52 का फाउंडेशन ली हूँ, बहुत ही अच्छा है, फुल कवरेज है ये फाउंडेशन। तो यहाँ पे देखिए, मैं इनके सेट्स का फाउंडेशन यूज़ किया हुआ है, बिल्कुल इनकी स्किन से मैच कर रहा है। तो मैं यहाँ पे आपको पूरा मेकअप का वो नहीं बताई हूँ ट्यूटोरियल, बस आपको यहाँ पे मैं पिंपल्स को कैसे कवर करना है ये बस मैं बताई हूँ आपको। तो यहाँ पे देखिए, मैंने ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से फाउंडेशन अप्लाई कर दिया है। तो आप देख सकते हो कितने हद तक हमारे पिंपल्स छिप चुके हैं, उसके रेडनेस बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा है। बस जो उभरा हुआ पार्ट था बस वो दिख रहा है, बाकी जो रेडनेस था और स्पॉट्स थे वो बिल्कुल ढक चुके हैं। काफ़ी अच्छा रिजल्ट है, इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हो। दूसरी साइड मैं आपको बताऊँगी, अगर आपके पास ग्रीन कैरेक्टर नहीं है तो आप उसके लिए क्या करो। तो आप उसके लिए डायरेक्ट यूज़ कर सकते हो कैरेक्टर, ये ब्राउन वाला। तो और जो मैंने आपको दिखाया था ऑरेंज वाला एले गर्ल का, आप उसको भी डायरेक्ट यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ देखिए, मैंने इनकी स्किन से टू सेट डार्कर जो यूज़ किया हुआ था ग्रीन कैरेक्टर के बाद, उसको ना अप्लाई करके मैं डायरेक्ट इसी को अप्लाई कर दी हूँ। इसका भी काफ़ी अच्छा रिजल्ट है। अगर आपके पास ग्रीन कैरेक्टर नहीं है या ऑरेंज कैरेक्टर नहीं है तो आप डायरेक्ट इस तरीके से भी यूज़ कर सकते हो। आप इस जो भी फेस की स्किन का कलर है उसे टू सेट डार्कर आपको लेना है कैरेक्टर, और उसको फेस पर अप्लाई कर देना है। फिर उसके जस्ट उसके बाद आपको फाउंडेशन यूज़ करना है। तो ये देखिए, मैंने सेम वही फाउंडेशन लिया हुआ है, उसके ऊपर जस्ट मैं अप्लाई करूँगी। तो ये देखिए, मैं उसी ब्यूटी ब्लेंडर से यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ फाउंडेशन। इनकी स्किन से बिल्कुल भी मैच कर रहा है ये इसका फाउंडेशन का कलर। तो देखिए, मैं यहाँ पे अच्छे से बिल्कुल अप्लाई कर चुकी हूँ, और रेडनेस जो था पिम्पल्स का वो बिल्कुल भी छिप चुका है। आपको ध्यान रखना है कि आप जब भी ब्लेंड कर रहे हो तो आपको काफ़ी अच्छे से उसको देर तक ब्लेंड करना है, या ये नहीं कि बस जल्दी जल्दी करके हटा दिया है। जब तक कि वो पूरा एब्जॉर्ब नहीं हो जाता स्किन में तब तक आपको ब्लेंड करना है, और बिल्कुल हल्के हाथ से करना है। तो ये देखिए, कितना अच्छा कवरेज दिया है फाउंडेशन का और करेक्टर का। बस आपके पिंपल्स के जो उभरे हुए पार्ट थे वो तो नहीं छिप सकते, क्योंकि वो तो दिखेंगे, बस आपको वो हट गए रेडनेस। अब इसके ऊपर से आपको फिक्सर यूज़ करना है। मेकअप फिक्सर आप कोई भी यूज़ कर सकते हो। फिक्सर करने के बाद आपको कुछ टाइम तक वेट करना है, और उसके बाद आपको फिर से ब्लेंडर से उसको एक बार टचअप कर देना है। फिर इसके बाद आप कॉम्पैक्ट यूज़ कर सकते हो फेस पाउडर, या ट्रांसलूसेंट पाउडर भी यूज़ कर सकते हो। मैंने यहाँ पे आपको सिर्फ पिंपल्स ढकने का तरीका बताया था, इसलिए मैंने यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं बताया है। तो देखिए, कितना अच्छे से कवर हो चुका है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।